ऐसे 200 के अंदर सिर्फ हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। अब हम आज की क्लास में फिर से इस ऐसे को एक बार होल्ड पे डाल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे के रिक्वायरमेंट्स हम आगे आगे जैसे ऐसे कवर होंगी वैसे वैसे लेंगे। अब एक नया टॉपिक मैं आज का शुरू कर रहा हूँ, स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या शुरू कर रहा हूँ? स्कोप ऑफ ऑडिट। आज हर काम का कुछ ना कुछ स्कोप होता है ना। मेरे अकाउंट्स का क्या स्कोप होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजर्स को ट्रू एंड फेयर पोजिशन दिखे, और जब ट्रू एंड फेयर पोजिशन दिखेगी तो ही तो वो डिसीजन लेंगे कि हमको इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। ऐसा नो, तो उसी तरीके से ऑडिटर का भी तो कुछ स्कोप होता होगा, कुछ एरिया होते होंगे ऑडिट के। तो ऑडिटर के एरियाज क्या क्या होते हैं वो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ऑडिटर का सबसे पहला एरिया होता है कि वो जितने भी रेलेवेंट एरियाज हैं उनको चेक करें। भाई आज अगर अपन किसी बैंक की बात करें तो बैंक में आपको पता है सबसे बड़ा बैंक के मम्मी पापा दोनों कौन होते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सीधी सी बात है ना, अगर आप किसी बैंक ऑडिट में जा रहे हो तो बैंक की रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस की, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसे कंप्लाई करो। अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर की ऑडिट करते हो या आप किसी स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट करते हो तो स्टॉक एक्सचेंज के मम्मी पापा दोनों कौन है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका एक्ट है, उसी गाइडलाइन से वो फॉलो करो। सीधी सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनीज एक्ट आपको डिफाइन करता है कि ऑडिटर की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। हाँ, तो इसी केस में नॉर्मल ऑडिट के अंदर ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ता है कि सबसे पहले सारे रिलेवेंट एरियाज की चेकिंग करनी, जो भी ऑडिट के दौरान जरूरी लगता है। उसके अलावा ऑडिटर को एक ओपिनियन देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, वो हमने ऐसे 200 में देखा ही है। साथ के साथ ऑडिटर को ये भी देखना होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी है वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड है या नहीं है, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या रिटर्न प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन सिर्फ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर को तो सिर्फ ओपिनियन देना होता है। इसके अलावा ऑडिटर को अपने स्कोप के बाहर अगर उस पर कोई लिमिटेशन लगाता है, मतलब मैं अगर कहीं ऑडिट करने गया, आप कहीं ऑडिट करने गए और आपको बोला गया कि सर हम आपको परचेज रजिस्टर नहीं दिखा सकते, क्यों? बस हम ऐसे ही दिखाना नहीं चाहते, क्या ये कोई रीज़न हुआ? नहीं। तो कोई भी एरिया ऑफ स्कोप पे, ऑडिटर के स्कोप के ऊपर कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन डालता है मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट कहता है हम आपकी तनख्वाह नहीं देंगे, हम आपकी रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, अगर आप तो अगर मेरे स्कोप पर कोई भी क्वेश्चन मार्क डालता है कि हम आपको कंपनीज के जैसे अपने अभी पढ़ रहे होंगे मिनट्स बनते हैं हर मीटिंग के, वो मिनट्स आपको नहीं देंगे, या हम आपको अच्छा कोई भी इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। कोई भी मैनेजमेंट अगर ऐसी कंडीशन लगाता है आपके ऑडिट के दौरान तो उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या ऐसी रेस्ट्रिक्शंस को मानना चाहिए? सिंपल, नहीं मानना चाहिए। और अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस को ज़बरदस्ती मैनेजमेंट मनवाना चाहता है, आपके बेबी को उठा दिया, आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, तो आप सीधी सी बात है उस केस के अंदर अपनी एंगेजमेंट से विड्रॉ करो। आप बोलो भैया मुझे माफ़ करो, मैं आपकी ऑडिट नहीं करूँगा। सिंपल, क्योंकि जहाँ पर आपका ओपिनियन बायस्ड हुआ, जहाँ पर ऑडिटर का इंडिपेंडेंस पर एक क्वेश्चन मार्क आया, विजय माल्या के ऑडिटर्स आज भी जेल में। विजय माल्या जो भारत से इतने करोड़ रुपए खा के भागे, भगोड़ा एक नंबर के, सरकार ने भगवान ने हेल्प की, वो खुद वहाँ खुलेआम घूम रहा है। उसके ऑडिटर्स थे पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर्स थे, उसके प्राइस वाटर हाउस कूपर के ऑडिटर थे आई थिंक, वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं, राइट? तो और तुम पे कार्रवाई पहले हो जाएगी, क्लाइंट से भी पहले, समझ में आई? क्योंकि क्लाइंट के पास तो पैसा है। ये सुनो, ये सारा होता है स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या होता है? स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जितने एरियाज है सारे चेक करो, सफिशियंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन है उस पर एक ओपिनियन दो, मैं लिखवा रहा हूँ। जितनी भी पॉलिसीज है सारी प्रेजेंट प्रिपेयर अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऑडिट के स्कोप पर अगर लिमिटेशन लगता है तो ऑडिटर को ऐसी एंगेजमेंट से क्या कर लेना है? विड्रॉ। सिंपल, ओके। तो लिख लेते हैं फटाफट से स्कोप ऑफ ऑडिट अगली पॉइंट के अंदर, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहले तो ना स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर ऑडिटर को कवर करने होते हैं सारे एस्पेक्ट्स, कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग आपको कवर करने, कवर ऑल एस्पेक्ट्स गवर्निंग द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज। अच्छा अभी सिर्फ मैं स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर से
पर आपको मतलब वैसे ये भी लिखे हुए नोट्स ही चाहिए तो भले ये भी दे दूंगा, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा क्योंकि नया पेपर है तो थोड़ा सा लिखना क्या तुम्हें आना चाहिए, इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग 4-5 लेक्चर्स लिखवाऊंगा, फिर भले स्पाइरल दे देंगे, वो अपना कोर्स खींचेगा। मतलब ऐसे नहीं अपन धीरे धीरे एक चैप्टर को 15-20 दिन छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो छोटे छोटे चैप्टर है वो एक एक दो दो दिन में भी निपटेंगे, कुछ बड़े चैप्टर्स है तो उसके अंदर हमको 15-15 दिन भी लग सकते हैं, पर क्योंकि अभी बेस बन रहा है, अभी तो मैं यही नहीं पता ओपिनियन क्या देना है, कैसे देना है, ऑडिट के एरियाज क्या होते हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है, पर एक बार जैसे जैसे मेरे को लगेगा आप बढ़ानी स्पीड में बढ़ा दूंगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पेपर नया है इसलिए अभी घबराओ मत। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, 3 क्लासेस लगभग अपनी हो रही है, समझ में तो आ रही है, ऑडिट ईजी है, तो सारे एस्पेक्ट्स आपको ऑडिट के कवर करने हैं, राइट। दूसरी बात, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रिलायबल। और एक बात, रिलायबिलिटी के साथ में हम और एक वर्ड यूज करेंगे ऑडिट के अंदर, रिलायबल एंड रिलेवेंट, रिलायबल एंड रिलेवेंट। क्या जियो की बुक्स में कभी दिखेगा कि हमने एम्प्लॉयज को कितना बोनस दिया, नहीं दिखेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन में दिख सकता है, बट नॉर्मली एम्प्लॉयज हमारे रोज का एक समोसा खा रहे हैं, कौन दिखा रहा है, राइट। तो रिलायबल एंड रिलेवेंट, रिलायबल मतलब सही और रिलेवेंट मतलब जरूरी, रिलायबल मतलब सही और रिलेवेंट मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए, क्लियर। तीसरा ऑडिटर का स्कोप होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, डिस्क्लोज के लिए किस हिसाब से डिस्क्लोज होनी चाहिए, AFRF के हिसाब से, और डिस्क्लोजर किस हिसाब से होना चाहिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नहीं तो इसके साथ में क्या यूज होता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AFRF हो नहीं तो क्या हो, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई डाउट, पक्का? अच्छा, ऑडिटर के अगर ऊपर, ऑडिटर के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाया गया, जो मैंने अभी आपको समझाया, कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं लिमिटेशन। कंस्ट्रेंट को हम क्या कहते हैं, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाउचर्स मांगे, बोले वो तो जल गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले गया, नहीं दे रहा। अरे नहीं दे रहा तो क्या हुआ, उस ऑफिसर को एक्सेस दो, हमको उस ऑफिसर तक पहुँचना है, हमको उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो, ताकि हम पूछें कि भैया तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही लेके उठा के, है ना। और ना भी दे तो तुम उससे फोटोकॉपी तो मांग ही सकते हो, अरे पैसा दे दे, क्लाइंट की जिम्मेदारी ना, पैसा दे के फोटोकॉपी तो मंगवाए, तो आउटरेट मना कर रहे हैं, नहीं मंगवाएंगे, नहीं देंगे। तो भैया माफ करो, हम आपके ऐसे ऑडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसे 200 बात ही क्या करता है, हमारा ऐसे 200 बात करता है कि ऑडिटर का ओपिनियन ही क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समझ में आया, अगर हम ऐसे तुम्हारी बातों में आके ऑडिट के एक दो एरिया पे छोड़ने लगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक जाता है, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट की छवि खराब होती है। सुनो, क्लियर। कंस्ट्रेंट और लिमिटेशन, अगर कोई भी मैनेजमेंट ने अगर कोई भी कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन, अच्छा ये एरो वाला ठीक लग रहा है कि फुल सेंटेंसेस ही लिखना है, सही लग रहा है, लिख सकते हो ना, इस लेवल पे आके तो लिख ही सकते हो, है ना। कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन कोई भी अगर मैनेजमेंट ने आप पर इम्पोज किए ऑन ऑडिटर, कोई भी कंस्ट्रेंट आप पर, लिमिटेशन या मैनेजमेंट ने अगर इम्पोज किया, तो सीधी सी बात है आपको अपनी एंगेजमेंट से ही क्या कर लेना है, विड्रॉ। आपको अपने एंगेजमेंट से ही क्या कर लेना है, विड्रॉ, विड्रॉ रिपोर्ट देते हुए टाइम धमका दिया ऐसा, तो भी एक बार तो विड्रॉ मारो, कोशिश करो कि विड्रॉ कर सको, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को बताओ, भाई तुम ऑडिटर हो, यू हैव पावर्स, हर एक्ट में यू आर हैविंग अ पावर्स, है ना। तो ऐसे भी आपको डरा धमका नहीं सकता, कुल मिला के क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, तो ऐसे केस में आपको एंगेजमेंट से ही क्या कर लेना है बच्चों, विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। और विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट करना, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, यार क्या हो गया, एक आधी लिमिटेशन लगा दी तो,
सिर्फ एंगेजमेंट से विड्रॉ करने ही क्यों रास्ता है? क्योंकि इस केस के अंदर ऑडिटर का जो ओपिनियन है, जब भी लिमिटेशन लगती है ना, तो ऑडिटर के ओपिनियन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बिकॉज लिमिटेशंस इम्पोज अ क्वेश्चन मार्क ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। कैसा नो? क्लियर? पक्का? अब ना ये जो मैंने तुम्हें ऊपर लिखाया था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल और रिलेवेंट होनी चाहिए, इस पर एक ऐसे स्टार लगाओ, जैसे जैसे मैंने बनाया ऊपर स्टार, और इस स्टार को अब हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ये सेकंड पॉइंट था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल और रिलेवेंट होने चाहिए, इस पर ऐसे एक स्टार लगाओ, और अब इस स्टार को हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल और रिलेवेंट कब माने जाएंगे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले तो तुम्हें समझाया कि ऑडिटर का स्कोप क्या है। अब उसमें स्कोप में लिखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और रिलेवेंट होने चाहिए, अब तुम्हें कैसे पता पड़ेगा? तुम्हारे लिए तो सब नया है ना, इंस्टीट्यूट ऑडिट के पेपर को बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाएगा, अब तुम्हें कैसे पता? तुम तो फाउंडेशन पास हो क्या हो, तुमने तो ऑडिट ही जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल है कि नहीं? तो इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है पहले, कॉमन सेंस वाली चीज़ें, थोड़ा सा सीए के साथ अगर सीएस भी रखोगे कॉमन सेंस, तो चीज़ें आसान रहेंगी। क्या तुमने आज तक पहले कभी नहीं पढ़ा कि मैनेजमेंट के अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं? पढ़े, अकाउंटिंग सिस्टम्स कंप्लीट होने चाहिए, उन अकाउंटिंग सिस्टम्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ऑडिटर चाहे तो उन अकाउंटिंग सिस्टम्स को एंक्वायर कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, ऑडिटर चाहे तो उन अकाउंटिंग सिस्टम्स की वेरिफिकेशन कर सकता है। तो बस इतना कर लो ना, अगर वेरिफिकेशन का, चेकिंग का, टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया सही, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? रिलायबल, खत्म। तो व्हेन द ऑडिटर विल डिसाइड हाउ टू एक्सेस द रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो टॉपिक क्या चल रहा है, हाउ ऑडिटर एसेसिस, हाउ ऑडिटर विल एसेस, हाउ ऑडिटर विल एसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल एंड सफिशियंट। सफिशियंट मतलब वही हो गया रेलेवेंट, ठीक है। ऑडिटर कैसे रिलाई करेगा? सबसे पहले आपको स्टडी करनी है और आपको इवेल्यूएशन करना है, आपको एक तो स्टडी करनी है और क्या करना है, इवेल्यूएशन किसका? क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम्स का, क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम्स का, क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम्स का आपको क्या करना है, चेकिंग करनी है। बोलो कोई डाउट? इजी, कॉमन सेंस। एंड देन आपको, आप चेकिंग कैसे करोगे? तो आप कैरी आउट करोगे, अब यही चीजें आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, जो आप वहां से उठ के आए ना मॉड्यूल 1500 पेज के, उसमें ये शुरू के 30 पेज में यही घोटा रखा है, पर सार इतना ही है 1.5 पेज का। तो क्या चाहोगे, 1500 पेज पूरे की यही? जब ये पढ़ के मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स तो ये लिखने पे ही मिलेंगे, तुम ऐसे भारी भरकम पैराग्राफ पढ़ के आओगे, मैं तुम्हें सैंपल कॉपीज दिखा दूंगा, 0000 जाते हैं मार्क्स में, गंदा की राइट, उस बच्चे की कॉपी जो थी। तो आप ऐसे लिखो, मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। आप कैरी आउट करो, हाँ ओके, तो वो ऐसे ही अनपढ़ लोगे, कई बार तो बीकॉम वाले चेक करते, मतलब बीकॉम के लेक्चरर्स ऑडिट की कॉपी है ना, तो उन्हें तो कुछ नहीं दिखता, उन्हें तो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड दिखता है, मैच हो रहा है तो ठीक, नहीं तो भगाओ, ठीक है। पर जरूरत हो जहाँ तक पॉइंट्स में लिखो, आते हैं मार्क्स। हाँ, तो आपको कैरी आउट करने हैं टेस्ट, कैरी आउट करने हैं आपको टेस्ट, इंक्वायरीज टेस्ट कंडक्ट करना है, इंक्वायरी करनी है, और वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स लगाने, टेस्ट इंक्वायरीज एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स ओवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ओवर अकाउंटिंग ओवर अकाउंटिंग सिस्टम्स। बोलो कोई डाउट? कॉपी कर लो जल्दी से ना, क्या पता कोई लड़की उड़की देने में इंटरेस्टेड हो। चलो आगे देखो, बड़े आगे, चलो टाइप्स ऑफ ऑडिट किसके
कितने टाइप्स के ऑडिट है, इतने समय के बाद अब आपको बताया जा रहा है कि ऑडिट कितने टाइप्स की होती है। बहुत इजी, दो टाइप की ऑडिट होती है बच्चों। आगे जाते के तो और भी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट आएंगी, पर नॉर्मल नेचर के हिसाब से जो आपके ऑडिट है, नॉर्मल नेचर के हिसाब से ऑडिट ना दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो। एक ऑडिट होती है लॉ वाली, ऑडिट अंडर लॉ। एक तो होती है ऑडिट अंडर लॉ, और एक होती है वॉलेंटरी ऑडिट। कुछ लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं कि तेरे क्या कीड़े हैं फालतू में, क्यों अपनी जान फंसा रहा है, जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी कई बार अपने ऑडिट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक जब लोन लेने जाते हो बैंक के पास, तो बैंक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मानता है, तुम क्या समझते हो तुम्हारे हाथ से बनी हुई बैलेंस शीट वो मानेगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ P&L वो मानेगा? तुमको होते कौन हो? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही बनी, खुद ही सर्टिफाई कर ली, सर्टिफाई सोल प्रोपरेटर उमिल जैन, हु इज द सोल प्रोपरेटर टू सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हिज ओन। सो इवन रोमिल सर बीइंग अ CA इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट टू सर्टिफाई दैट यस दिस इज माय P&L अकाउंट, दिस इज माय बैलेंस शीट। तो ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से ऑडिटिंग करवाते हैं उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री ऑडिट। क्या कहते हैं? बट सम पीपल आर रिक्वायर्ड टू अंडर अ लॉ, एक कानून के अंदर रिक्वायरमेंट है कि उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं, जैसे कि कंपनी, हर कंपनी का ऑडिटर होना चाहिए, बैंक, इंश्योरेंस, GST, टैक्स ऑडिट, ये सारी लॉ वाली ऑडिट है। समझ में आया? ये सारी कौन सी वाली ऑडिट है? लॉ वाली। तो जो लॉ वाली ऑडिट है ना उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में फॉर एग्जांपल आपके कोर्स में जो जो है, थोड़ा सा कंपनी ऑडिट आपके कोर्स में है, ठीक है, बैंक ऑडिट आपके कोर्स में है, बैंक ऑडिट आपके कोर्स में है, थोड़ा सा इंश्योरेंस ऑडिट भी आपके कोर्स में, थोड़ा सा का मतलब बेसिक, और एडवांस लेवल इसके सारे उठ के आते हैं फाइनल लेवल पे, ठीक है। इंश्योरेंस ऑडिट आपके थोड़े से कोर्स में है, टैक्स ऑडिट आपके कोर्स में नहीं है, बट टैक्स ऑडिट आप इनकम टैक्स में ज़रूर पढ़ोगे। टैक्स ऑडिट करनी कैसे वो नहीं पढ़ोगे, बट टैक्स ऑडिट किन किन को करानी है वो पढ़ोगे, ठीक है। फिर एक ऑडिट जो आपके CA फाइनल लेवल पे आएगी, GST ऑडिट। ये सारी जो ऑडिट्स हैं, ये सारी जो ऑडिट्स हैं, इसे हम कहते हैं ऑडिट अंडर लॉ, और ऑडिट अंडर लॉ का नाम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या नाम होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। समझ आ रहा है? अच्छा, वॉलेंट्री ऑडिट कौन लोग कराते हैं सर? वॉलेंट्री ऑडिट वो लोग कराते हैं जिन पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अपनी मर्जी से करा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर, सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, सर को लोन लेना है मान लो, तो वो अपने अकाउंट्स खुद ऑडिट नहीं करेंगे। आप बोले सर भी तो CA, सर CA बंदा खुद के अकाउंट्स खुद ऑडिट नहीं करता है, तो इंडिपेंडेंट, अभी पढ़ा ना ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, हर चीज लिंक्ड है, आप देखो सारा लिंक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक सारे चैप्टर्स लिंक्ड है आपके, बस लिंकिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप तो रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल देता है, तो ऑडिट कौन सा कंपलसरी देता होगा, है ना, पार्टनरशिप की ऑडिट हो गई। अच्छा, पार्टनरशिप में एक बात याद रखना, फॉर द पर्पज ऑफ CA इंटर पार्टनरशिप इंक्लूड्स LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसा हमने कंपनी में अगर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ ली हो, शायद अगर पढ़ ली हो, तो पार्टनरशिप इंक्लूड LLP, बॉडी कॉर्पोरेट LLP डाला है, ठीक है। इसके अलावा कॉपरेटिव सोसाइटी और HUF, ये लोग अपनी मर्जी से ऑडिट कराते हैं, ये लोग अपनी मर्जी से ऑडिट कराते हैं, इसलिए हम कहते हैं वॉलेंट्री ऑडिट। समझ आया? इस पर भी MCQ आया, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया 30 marks MCQ है ना। तो अब 40 नंबर लाना बहुत आसान है, अगर आप केस स्टडी MCQ ढंग से करके आओगे तो यू विल गेट मार्क्स, है ना, क्योंकि MCQ में कुछ भी करो, पूरी ऑडिट अगर ढंग से पढ़िए तो MCQ में 30 में से 20 लाना आसान है, 20 लाना आसान है, 30 में से 25 ऊपर जाना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर 20 उधर से भी आए तो क्या थ्योरी हमारी इतनी ख़राब है कि हम 70 में से 40 नहीं ला सकते वहाँ?
ला सकते हैं। और मतलब मैं तो कह रहा हूँ लोअर लिमिट भी पकड़ो, 35 भी पकड़ो, चलो थ्योरी में आधे पकड़ो तुम अपने नंबर, हर 4 नंबर में तुम अपने 2 नंबर मानो, वैसे मानने नहीं है बट मान लो वर्स्ट केस भी, 70 में 35 उधर और 20 नंबर एमसीक्यू हो गए 55, 5 नंबर पे तो एग्जामेशन, ऑडिट में एग्जामेशन तो ये क्या आती है, यस और नो। चलो तो बस वही है कि पूरा रेगुलर पढ़ना है ना। चलो AFRF क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अ फ्रेमवर्क यूज बाय रिपोर्टिंग एंटिटी फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रेमवर्क क्या होता है, AFRF का मीनिंग वापस लिखवाऊँ क्या, ये मैंने ऊपर वैसे चार्ट में बना दिया था, ये चार्ट में मैंने यहाँ पर आपको बना दिया था AFRF GPFS ये सब बता दिया था, फ्रेमवर्क यूज फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज AFRF। ओके अच्छा, ऑडिट के ओपिनियन का बेसिस क्या होता है, ऑडिट को ऑडिटर को ओपिनियन देना है ना, तो उसके बेसिस क्या होगा, तो ऑडिटर को का ओपिनियन बेस होता है ऑडिट एविडेंसेस पर। हर चीज़ का मैं बोलूँ कि CA का रिजल्ट बहुत कम है मान लो, अगर ऐसा बोलूँ तो मैं अपना ओपिनियन कैसे दे रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ एविडेंसेस होंगे, इंस्टीट्यूट का पास रिजल्ट एनालिसिस होगा, तो मैं बोलूँगा कि हाँ रिजल्ट 10% है तो तुम प्रिपेयर ढंग से करो, तो ही तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आज मैं बोलूँगा CA का रिजल्ट 100% है, कोई मानेगा, बिकॉज देर इज नो एविडेंस, रिजल्ट एक अटेंड में भी 100% नहीं रहा, ये सुनो। सो याद रखना ऑडिटर के ओपिनियन का बेसिस क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर के ओपिनियन का बेसिस क्या होता है, तो ऑडिटर के ओपिनियन का बेसिस होता है एविडेंस, ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट एवी, ऑडिटर के ओपिनियन का बेसिस क्या होता है, ऑडिट एविडेंसेस, क्लियर। जिस पर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कंक्लूजन देगा। सर ऑडिट एविडेंसेस के बारे में और बताओ, बताएंगे वक्त आने पर, अभी के लिए आप केवल एक बात इसको ले लिख कर रखो, ऑडिट एविडेंसेस का ऐसे होता है 500, ऐसे 500, ऐसे 500, बोले ऐसा नो वही सर से। चलो ऑडिट एविडेंसेस एक बार मीनिंग लिखते हैं, ऑडिट एविडेंसेस आर द बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन, बस इतना लिख लो ठीक है, बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। हाँ वो ऐसे में भी यही वर्ड्स लिखे हुए वापस, बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिट एविडेंसेस। अब ना एक बात और कई बार यूज होती है और सामने भी देखो को मिलेगी आपको कंपनीज एक्ट में, जब हम कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे, वैसे आपके CA इंटर लेवल पर सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 तक कंपनी लॉ के एप्लीकेबल है, ये आपको मोहित सर ने बताया होगा, बट मोहित सर आपको सेक्शन 1 से लेके 138 तक ही पढ़ाएंगे, बच्चे भी मेरा पार्ट है ठीक है, तो पहले 1 से 138 आप लगभग जब कंप्लीट कर लोगे, मतलब ऑडिट में भी हम जब तक एक लेवल तक पहुंच जाएंगे फिर हम कंपनी ऑडिट उठाएंगे, तो 139 से लेके 148 तक जो कि है चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, चैप्टर 8, 9, 10, हाँ 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, 8 इज डिविडेंड, 9 इज अकाउंट्स और 10 इज ऑडिट ठीक है। तो 10th चैप्टर जो कंपनी ऑडिट का, उसमें बार बार एक चीज लिखते हैं कि ऑडिटर शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर ये ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है, लिख के रखो, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है वही जो हमने ऑडिट की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, दैट देयर इज नो मिस स्टेटमेंट, देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, क्लियर। तो ट्रू एंड फेयर व्यू होता क्या है, तो लिख ले, नो मटेरियल, नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट no material misstatement in financial statements being audited, no material misstatement in the financial statement being audited plus all AS are complied, all accounting standards are complied plus, bolo hamara area, all SAs are
अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ हमेशा कंप्लाइड वर्ड यूज करने का। अब इधर भी कई बार जो सीए लोग जो होते हैं वो देखते हैं यार वर्ड्स की भी कमी है बच्चे में, एएस कंप्लाई करने हैं बिकॉज एएस लॉ का पार्ट है, एएस किसका पार्ट है लॉ का, और ऐसे अप्लाई करने होते हैं क्योंकि वो ऑडिट का पार्ट है। ठीक है, वेल कंडक्टिंग ऑडिट तो हम कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? ठीक है, आज के बेसिक डिस्कशंस के अंदर हम इतने